Hey guys, welcome back to another video. My name is SK Das और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह The Unique Employee. Guys, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे अगर आप Zomato में एज अ डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं और अगर आप नए हो या फिर कुछ दिन पुराने भी हो और आपने पूरा हफ्ता काम किया है लेकिन आपका जो वीकली पेमेंट है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. यानी वीकली पेमेंट लगभग क्या होता है कि हमारे जोन पे अभी जो है सोमवार को लगभग पेमेंट आ जाता है, सोमवार या फिर मंगलवार को उसी बीच में आ जाता है. अगर आपने पास्ट वीक में पूरा वीक काम किया है और आपको जो है पेमेंट अभी तक नहीं मिला, यानी आपके बैंक अकाउंट में वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आप किस तरह से Zomato को इन्फॉर्म कर सकते हैं, यानी किस तरह से आप जो है टिकट रेज कर सकते हैं इसके लिए, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं. तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. अगर आपको ज़रूरत है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं. और गाइस, एक चीज़ बताना चाहूँगा, टिकट रेज करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी साथ में दिखाएंगे. तो चलिए गाइस, स्क्रीन पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक करके सारे डिटेल. सो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, हमने जो Zomato डिलीवरी पार्टनर ऐप है उसको हमने ओपन कर लिया है. अब देखिए गाइस, यहाँ से किस तरह से टिकट रेज करना है पेमेंट के लिए अगर आपको वीकली पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, और क्या क्या चीज़ें लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ. अब देखिए गाइस, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सबसे ऊपर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको यहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है. यहाँ पर मैं आपको एरो से दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है. जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है. यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प सेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है. उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाएंगे. यहाँ पे देखिए पास्ट ऑर्डर रिलेटेड इशू, और यहाँ पे आपको नीचे देख देख के जाना है. और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे आउट इशू, यहाँ पे आप देख सकते हैं पे आउट इशू, ये जो पे आउट इशू है इस पर आपको क्लिक करना है. पे आउट इशू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे एक दो और यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पे आउट नॉट रिसीव इन बैंक. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका काम का है. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिंपली इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है. तो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है. जैसे आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे लास्ट 8 वीक का यानी लास्ट 8 हफ्ते का यहाँ पे डिटेल आपको दिखाई देगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 11 दिसंबर से 17 दिसंबर का एक आपको दिखाई दे रहे हैं. उसके अलावा यहाँ पे 4 से 10, उसके अलावा 27 से 3 दिसंबर, इस तरह से आपको 8 हफ्ते का यहाँ पे डिटेल दिखाएगा. और यहाँ पे आप देखिए सारे 00 है, सारे 00 है, इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे मैंने अर्निंग किया था वो सारे अर्निंग जो है हमारे अकाउंट में आ गए हैं, यानी पेमेंट रिसीव हो गए. अब देखिए गाइस, 11 से 17 दिसंबर का यहाँ पे आपको 26 रुपीज़ दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जिस वीक का पेमेंट आपको रिसीव नहीं हुआ है वही वीक आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है. मान लीजिए कि अगर आपके जो पेमेंट है वो 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर का, अगर ये वाला जो ये हफ्ते का जो पेमेंट है वो रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो एरो दिख रहा है उसके सामने राइट साइड में, इस पर आपको क्लिक कर देना है. गाइस, एरो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे. यहाँ पे आपको हेल्प सेंटर मिलता है और यहाँ पे देखिए पे आउट इश्यू जो आपने सिलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. और यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें लिखा हुआ मिल जाएंगे, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है आप पढ़ भी सकते हैं और मैं आपको बता भी रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली पे आउट रिलीज ऑन वेनसडे. तो यहाँ पे बुधवार को पेमेंट ये लोग रिलीज़ करते हैं, कौन, Zomato. अब देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि काइंडली चेक योर बैंक बिफोर रेजिंग अ टिकट. तो टिकट रेज करने से पहले ये लोग बोल रहे हैं कि आपका बैंक ज़रूर चेक करें. बैंक चेक कर लिया है आपने, उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें लिखा हुआ है, काइंडली नोट द पेमेंट गेट रिफ्लेक्टेड इन बैंक अकाउंट ऑन थर्सडे. यानी कि जो पेमेंट वो लोग बुधवार को रिलीज करेंगे वो पेमेंट गुरुवार को आपके अकाउंट पे आ जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. गुरुवार में कब तक, आपको शाम के छः बजे तक आपको यहाँ पर वेट करना है, उसके बाद आपको जो टिकट है वो रेज करना है.
तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सी पेमेंट डिटेल, इस पर क्लिक करके भी आपके पेमेंट का डिटेल देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पे नीचे राइट हैंड साइड में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेज अ टिकट। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में देखने को मिलता है रेज अ टिकट, इस पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड्स रेज अ टिकट पे क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, बस उतना ही लिखना है, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं होता है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा है आई डिड नॉट रिसीव लास्ट वीक पे आउट, बस इतना ही लिखना है, समझ जाएंगे वो लोग। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए अटैचमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले अपलोड इमेज और वीडियो, इमेज या वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके अलावा यहाँ पे अपलोड फाइल, यहाँ पे फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फाइल मतलब आपका बैंक का स्टेटमेंट का आप PDF भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि आप प्रूफ दिखा सकें कि जो पे आउट है वो मेरे बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट जो भी आपका अपना जो स्टेटमेंट है उसका फ़ोटो भी ले सकते हैं। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे अपलोड, या यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप वो फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेज अ टिकट। तो यहाँ पर आपको रेज अ टिकट पर क्लिक करके आप जो है टिकट रेज कर सकते हैं। उसके बाद जो टीम है जोमेटो का, जो टीम है जो इस पेमेंट में काम करते हैं, तो वो लोग सारे चीज़ें चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वाकई अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया है तो किस वजह से नहीं आया है, क्या कुछ प्रॉब्लम है आपके बैंक अकाउंट में, या फिर मान लीजिए कि आपने ज्वाइनिंग के टाइम में कुछ मिस्टेक किया है अकाउंट नंबर या फिर कुछ भी, तो वो सारे कुछ भी इश्यू रहता है तो वो आपको यहाँ पे बताया जाएंगे। गैस यहाँ पे अगर आप एक बार यहाँ पे आप टिकट रेज करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर मिल जाएंगे और जो भी इशू रहेगा वो आपको बताए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। सो गैस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस तरह से आपको टिकट रेज करना है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मान लीजिए आपने टिकट रेज कर लिया है और यहाँ पर आपको कुछ रिप्लाई भी आता है, मान लीजिए रेज करने के बाद अगर आपको कुछ रिप्लाई आता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो इसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश जरूर करूँगा। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारे चीज़ें डिटेल में आपको बता दिया है। फिर भी आपके मन में अगर किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपको 100% रिप्लाई दूंगा। और गाइस जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है और चैनल पर भी पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा के जाइएगा, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पे हमेशा मिलते रहेंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।